नमस्कार दोस्तों मैं हरिंद्र आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं जैसा कि आप जानते हैं हम हिस्ट्री के टॉप तीन सौ क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री आती है जीएस आती है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा जो पार्ट वन में जिसमें हमने दस क्वेश्चन किए थे तो वो आप जाके देख लीजिए आपको हिस्ट्री के प्ले में मिल जाएगा और जी के प्ले में मिल जाएगा और आज हम क्वेश्चन करेंगे आपके दस से आगे और मैं आपके लिए बताना चाहूँगा हमारे चैनल पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जीएस का प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चन चल रहा है जिसमें सभी आपके स्कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं तो वो भी आपकी तैयारी अच्छी कराते हैं तो उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं वो आपको सिद्धार्थ सर की प्ले में मिल जाएंगे तो चलिए और मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है किताबिल हिंद किसकी रचना है तो किताबिल हिंद के लेखक आपको बताना चाहे और ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी अलबरूनी और इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था अलबरूनी किसके साथ भारत आया था तो ये अलबरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ में इंडिया आया था और महमूद गजनबी के शासनकाल में ये इंडिया आया था महमूद गजनबी ने इंडिया पर सत्रह बार आक्रमण किया था और उसने यहाँ पर बहुत कुछ लूटपाट की थी और महमूद गजनबी ने एक हज़ार ईस्वी से एक हज़ार सत्ता सत्ताईस ईस्वी तक आक्रमण किए थे जो महमूद गजनबी का एक हज़ार पच्चीस में आक्रमण हुआ था हिंदुओं के मंदिर सोमनाथ पर उसमें अटैक किया था तो सोमनाथ का जो गुजरात में मंदिर था उसने एक हज़ार पच्चीस में उस पर आक्रमण किया था ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया इसको आप याद कर लीजिए लिए डेट भी और सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में ये भी आपको याद रखना उस पर अटैक किया था महमूद गजनबी ने हाँ महमूद गजनबी के ही शासनकाल में अलबरूनी था अलबरूनी की पुस्तक आपका किताबिल हम बलबन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वीडियो में बताया था कि इसकी लाहौ एम रक्त की नीति थी और इसने बारह सौ से बारह सौ तक शासन किया था ये आपको अफ्रिया से आज का मंसद बताता था इसमें जो तुर्क ए चहलगामी था उसकी इसने ख़त्म किया था और इसको से बनाया था उसको इसने समाप्त किया क्योंकि ये भी उसी में से एक था तो इसकी कमियां क्या थी वो ये जानता था अच्छे से और इसने सिजदा मतलब तो डंडवट प्रणाम करना सजदा का मतलब होता है और पैबोस पैर के अंगूठे को चुभना तो ये दो प्रथाएं इसने स्टार्ट की सिजदा और पैबोस ये भी आपकी इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है इबन तोता मोहम्मद बिन तुकला के दरबार में आया था उसी शासनकाल में भारत आया था अगला क्वेश्चन है हमारा किस सल्तनतकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहारों को मनाने पर रोक लगा दी मतलब किस राजा ने अमीरों के लिए बिना उसकी इजाज़त के दावते और त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपके लिए प्रीवियस वीडियो में काफ़ी फैक्ट बता दिए थे इसमें सुन लीजिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछा जाता है सिकंदर ए सानी इस उपाधि से इसने यह उपाधि इसने धारण की थी सिकंदर ए सानी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना दूसरा सिकंदर और इसने जो प्रथाएं थीं चेहरा प्रथा और दाग प्रथा ये स्टार्ट की थी तो जो चेहरा प्रथा है वो सैनिकों का होलिया लिखने के लिए थी और दाग प्रथा था सैनिकों पे दाग मतलब घोड़ों को दागा जाता था सैनकों पर नहीं ये दाग प्रथा घोड़ों पे दागा जाता था और चेहरा प्रथा आपकी सैनिकों का छोलिया लिखा जाता था चेहरा प्रथा में तो दो प्रथाएं इसने स्टार्ट की थी और इसने बाजार व्यवस्था में बहुत सुधार किए थे इसके लिए ये जाना जाता है प्रशासनिक सुधार की थी इसने बाज़ार व्यवस्था में सुधार किए और सैन्य सुधार भी इसने किया था क्योंकि ये अपने समाज को अपने समाज को बढ़ाना चाहता था इसलिए इसने ये सुधार किए थे और इसने अलाई दरवाजे भी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको याद रखना है और खिलजी वंश जो रहा था आपका बारह से 1320 तक रहा था और खलज वंश की स्थापना की जलालद्दीन खिलजी ने मैं आपको प्रीवियस सी में भी बताया था मैं आपको ये दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा कराऊँ ताकि आपको एकदम रट जाए चीज़ें रटा के आपको याद हो जाए और बल के अभी हम ऊपर डिस्कस कर सकते हैं फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का है सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगला तो आता है फिर मोहम्मद बिन तुगलक फिर फिरोज तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है ये मैंने अभी आपको बताया था अला अलाई दरवाज़े की जो बनवाया था उसको वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने और ये प्रवेश द्वारा कुतुब मीनार का कुतुब मीनार जो बनी है वो सोफी सन्त थे कुतुबुद्दीन बख्तियार का, का काफ़ी मतलब काफ़ी के नाम पे बनी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी ना कि कुतुब जो कुतुबुद्दीन एबक था उसके नाम पर ये आपको कन्फ्यूज़ होता है कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के नाम पर रखा गया है तो आपको ये याद रखना है ना कि कुतुबुद्दीन एबक के नाम पर और मैं आपके लिए बता दूँ चाहो कुतुब मीनार की नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने और उसका जो दरवाज़ा था वो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये तीनों शाहजहाँ ने बनाई हैं जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है और आपकी लाल किला लाल किला आपका दिल्ली में ये भी और ये आपका ताजमहल आगरा में है तो ये तीनों बनाई थी शाहजहाँ इसीलिए शाहजहाँ के जो काल को गोल्डन आर्किटेक्चर ऑफ मुगल एम्प्रायर का का शासन का काल कहा जाता है ये आप जानते ही हैं वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहाँ के काल को और मैं आपको बता चित्रकला का वो है आप कमेंट बताइए तो चित्रकला कैसे कहा जाता है कल बताया था वैसे उसका आंसर मैंने बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली मतलब तो राजा किसे बताया तो बाबर के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था ये उसने बताया था अपनी जो तुझे के बाबरी उसकी आत्मता थी बाबर की आत्मता थी तुझी के बाबरी इसकी भाषा थी तुझी के बाबरी की तुर्की ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी तुझी के बाबरी तो इसमें इसने बताया था सबसे शक्तिशाली शासक तो वो था आपका कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का राजा था विजयनगर जो तो दक्षिण भारत में आपका केरल है तमिलनाडु है कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है तो जो इस समय वर्तमान राज्य में तो वहाँ पहले विजयनगर शासन था विजयनगर साम्राज्य था इतना इन राज्यों में फैला हुआ जो अभी के राज्य हैं जो मैंने अभी नाम बताए, वो तो देव राय को सबसे शासक बताया था बाबर ने इंडिया का राणा सांग्रा के लिए आप बाबर ने हराया था बताइए किस युद्ध में हराया था बाबर ने ही राणा सागर को युद्ध में हराया था किस युद्ध में हराया था ये आप बताइए कमेंट करके लिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध रोमी दरवाजा कहाँ स्थित है मतलब आपको दिए गए हैं प्रसिद्ध शहर हैं जो आपके चार ऑप्शन दिए गए उनमें बताना आपको कहाँ पर रोमी दरवाजा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रोमी दरवाजा आपका लखनऊ में है ये आपका अच्छा क्वेश्चन था चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा फिरदौस मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता है फिरदौस मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता है तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड शाह आलम द्वितीय के लिए ये कहा जाता है और शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य से संबंधित था ये आप जानते ही है और शाह आलम द्वितीय ने जो युद्ध लड़ा था आप जानते हैं बक्सर का युद्ध उसमें शाह आलम द्वितीय था अबब का नाबाद था शुजातुद्दौला सुजा शुजाउदोला सुजादुद्दौला अवध का नवाब यह था सुजादुद्दौला और आपका मीर कासिम था मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था तो ये सब मिलके के बक्सर के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था सत्रह में जिसमें अंग्रेज़ों ने इन्हें बहुत बुरी तरह हराया था तीन सेनाओं को मिलकर अकेले परास्त किया था हेक्टर मुनरो सेनापति था अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरू तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं बहुत जो आपके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम में याद रखना है सत्रह में आपका बक्सर में आपका युद्ध हुआ था बक्सर सत्रह में बक्सर का युद्ध से कहते हैं ये बक्सर आपका बिहार में है और बहादुर शाह जफर ये आप जानते हैं ये भी बहादुर शाह जफर जो है वो मुग़ल साम्राज्य से संबंधित थे चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा मेहरू किस नाम से प्रचलित थी तो मेहरुलसा आप जानते ही हैं नूर जहाँ इनका नाम था चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा शराब गुट का किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो ये शराब गुट का जो रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है वो आपको बताना है तो इसका आंसर है आपका भगत पीपा भगत पीपा ये शराब गुटका के रहस्यवादी इनकी ही लिपि है अगला क्वेश्चन है आपका कबीर किसके सिष्य तो कबीर रामानंद के शिष्य थे और इनके जो ऊपर क्वेश्चन था आप देख रहे हैं जो आपका भगत पीपा था ये भी रामानंद के शिष्य थे आज का लास्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया तो अकबर किस भाषा में लिखा गया आपको सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं चारों हैं आपको बताना है तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए फारसी भाषा में अकबरनामा लिखा गया और इसको लिखा है अबुल फजल ने अबुल फजल और मैं आपके लिए बताना चाहूँगा तुर्क ए बाबरी जो बाबर की आत्मदा थी वो आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई थी और अकबर नाम आपका फारसी भाषा में लिखा गया भी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोनों पुस्तकें उनकी भाषा में पूछी जाती हैं और जो बाबर नामा है बाबर नामा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है तुर्क ए बाबरी का वो कियाब्दुलरीम खान खाना ने तो बाबर नामा आपका फारसी भाषा में जो अनुवाद है तुर्के बाबरी का तो इसको आपको याद रखना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो ये हमारा हिस्ट्री का आज का वीडियो हो गया मैं इसमें क्वेश्चन इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्ट मुझे आपको बताने रहते हैं अगर मैं पंद्रह क्वेश्चन कर दूंगा या बीस क्वेश्चन कर दूँगा तो फैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा आप देखते नहीं वैसे पूरा लास्ट तक देखते नहीं है पता नहीं क्यों आपको पूरा देखना चाहिए अगर आप अच्छे से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपके लिए दावा करता हूँ इन तीन सौ क्वेश्चन से आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी क्योंकि मैं इसमें साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलता हूँ साथ में जो उसका आपका रिवीज़न होता है बहुत अच्छे आपने से आपने खुद से पढ़ा लेकिन एक बार फिर से आपका रिवजन होता जाता है तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को शेयर करते अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलेकन प्रेस कर लीजिए चलिए मिलते हैं अगले इसके अगली वीडियो तब तक लिए नमस्कार